हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आज बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया फ्रेंड्स, और कक्षा तीन के संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया। आप देख सकते हैं कक्षा तीन अर्धवार्षिक परीक्षा अंक संशोधन अत्यावश्यक, यानी कक्षा तीन की जो अर्धवार्षिक परीक्षा के संदर्भ में, यानी जो 20वां सप्ताह लिया गया था कक्षा तीन का, उसको अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में माना गया फ्रेंड्स, और उसके अंदर अंक का संशोधन किया गया, किस प्रकार से किया गया उसकी संपूर्ण जानकारी जाने फ्रेंड्स। पहले जो जारी किए गए अंक थे वह कम कालमों के लिए जारी किए गए थे, किंतु उसमें अधिक कालम होने के कारण सभी कालमों के लिए अंक का प्रावधान किस प्रकार किया गया उसकी संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही जारी किया गया फ्रेंड्स। एफएलएन संबंधित समस्त नोटिफिकेशन एवं अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब पत्र को आगे देखते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं विषय से आपको स्पष्ट हो जाएगा, कक्षा तीन में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्रक पर भरे जाने के संबंध में अंग्रेजी विषय में संशोधन हेतु दिशा निर्देश। यानी फ्रेंड्स, ये स्पष्ट होता है कि केवल अंग्रेजी विषय के संशोधन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और उसमें किस प्रकार से और क्यों संशोधन किया गया है इसकी भी जानकारी फ्रेंड्स हमको नीचे मिलने वाली है। तो कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे, कक्षा तीन में अर्धवार्षिक परीक्षा के स्थान पर 20वें सप्ताह में आयोजित आवधिक आकलन हेतु निर्धारित ट्रैकर पर संकलित जानकारी के आधार पर प्रति विषय 40 अंकों पर वार्षिक प्रगति पत्रक पर अंक भरे जाने के निर्देश दिए गए थे। अंग्रेजी विषय में 20वें सप्ताह के अंतर्गत ट्रैकर में कुल 10 कालम थे, जबकि त्रुटिवश उक्त अंक विभाजन 5 कालमों में किया गया है। अतः अंग्रेजी में संशोधन उपरांत निम्नानुसार पढ़ा जाए। यानी फ्रेंड्स, पत्र में दिए गए लेख से स्पष्ट होता है कि पहले उसके अंदर केवल 5 कालमों के लिए अंक विभाजन दिया गया था, किंतु उसके अंदर ट्रैकर के अंदर 20वें सप्ताह के अंतर्गत जो ट्रैकर था उसमें 10 कालम थे, जबकि केवल 5 ही कालम का अंक विभाजन दिया गया था। अतः 10 कालम का अंक विभाजन किस प्रकार होगा वो नीचे दिया गया है, निम्नानुसार पढ़ा जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि अंग्रेजी विषय कुल 10 कालम है, जिसमें प्रत्येक कालम हेतु अधिकतम 4 अंक निर्धारित किए गए। यानी फ्रेंड्स, 10 कालम है तो अधिकतम 4 अंक निर्धारित किए गए, यानी 10 × 4 यानी 4 × 40 हो गए। इस प्रकार से अंग्रेजी विषय के भी 40 अंक के प्रावधान दिया गया है। बिंदु नंबर एक देखें तो यदि नहीं कर पाता है, कालम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 0 अंक प्रदान किए जाए। यानी फ्रेंड्स, नहीं कर पाता मैं राइट है वो कर ही नहीं पाता है तो उसमें 0 अंक प्रदान किया जाए। बिंदु क्रमांक दो की बात करें, यदि सहयोग से कर पाता है तो इस कालम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 2 अंक प्रदान किए जाए। इसी प्रकार से बिंदु क्रमांक तीन देखें तो यदि स्वयं कर पाता है, कालम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कालम अनुसार निर्धारित 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से दिया गया फ्रेंड्स, यदि नहीं कर पाता है तो 0 अंक, सहयोग से कर पाता है तो 2 अंक, और स्वयं कर पाता है तो 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से आगे दिया गया, शेष निर्देश पूर्वानुसार यथावत रहेंगे, कृपया उक्त प्रक्रिया अनुसार शाला में मूल्यांकन किया जाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु सुनिश्चित करें। और यह राज्य शिक्षा केंद्र के अपर मिशन संचालक द्वारा पत्र जारी किया गया फ्रेंड्स। और एफएलएन संबंधी समस्त जानकारी के अपडेट तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।